हेलो फ्रेंड्स, समिट प्रत्युष में आपका स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में हम लोग राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इससे कई एग्ज़ाम्स में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और इसका बहुत ही विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे आज। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका वर्णन हमारे संविधान में कहाँ है। इसका वर्णन हमारे संविधान में भाग 4 और अनुच्छेद 36 के मध्य किया गया है, यानी कि भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य जो भी प्रावधान भारतीय संविधान में लिखा गया है वो राज्य के नीति निदेशक तत्व से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो सबसे पहले यह देखते हैं कि इसकी उपयोगिता क्या है हमारे संविधान में, इसका क्या महत्व है और इससे क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सब को समझने के लिए चलते हैं इसके स्टार्टिंग में, जब संविधान सभा का या संविधान सभा में संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय सलाहकारी समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.एन. राव, और उन्होंने एक सलाह दिया था कि हमारे संविधान में दो तरह के मौलिक अधिकार होने चाहिए। एक तो वो जो तुरंत रूप से लागू किया जा सके और जो न्यायालय में प्रवर्तनीय हो, और दूसरा वैसे मौलिक अधिकार होने चाहिए जिसे सरकार द्वारा धीरे धीरे करके लागू किया जा सके। उनके सलाह को माना तो गया, लेकिन मौलिक अधिकार 1 और मौलिक अधिकार 2 के नाम से नहीं, बल्कि मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार और जो प्रावधान न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं थे या सरकार जिसे अपनी जनता को उस समय देने में सक्षम नहीं थी, उन प्रावधानों को राज्य के नीति निदेशक तत्व में रख दिया गया या फिर समाहित कर दिया गया। अब जानते हैं कि इसके क्या मतलब क्या है इसका। जैसे राज्य यानी सरकार से तात्पर्य है कि सरकार को अपनी जनता के लिए क्या करना चाहिए, उसे यानी जनता को किस प्रकार की सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए, इसकी विस्तृत चर्चा हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य किया गया है। तो ये सरकार के एक तरह से यह समझ सकते हैं कि दायित्वों को समझाता है और साथ ही साथ सरकार को उसके उद्देश्यों का मार्गदर्शन भी करता है। तो आइए इसके कुछ पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको आसानी से हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले कि इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया, और आयरलैंड ने इसे स्पेनिश के संविधान से लिया था। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। एक इम्पोर्टेंट सवाल जो पूछा जाता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व मौलिक अधिकार के समान नहीं है, यानी कि मौलिक अधिकार के संबंध में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है और यह न्यायालय में प्रवर्तनीय भी है, लेकिन राज्य के नीति निदेशक तत्व के साथ ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसके संबंध में कोई रिट जारी नहीं करती और यह न्यायालय में प्रवर्तनीय भी नहीं है। इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता या इसे चुनौती देकर न्यायालय में सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता कि हमारी मांग या हमें जो तत्व, जो नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा गया है उसको पूरे करें। इसके कई उद्देश्य हैं, मुख्यतः दो उद्देश्य जो हम लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है, वो है पहला
लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसे लिख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लिख रहा हूं यहां पे, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसका तात्पर्य है ऐसे राज्य की स्थापना करना या ऐसे सरकार की स्थापना करना जो जनता के हितों के बारे में अधिक सोचती हो, या उसके सुख सुविधाओं के प्रावधान की बात जो की गई है वो राज्य की नीति निदेशक तत्व में किया गया है, और इसके ही प्रावधान अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में लिखा गया है। और दूसरा उद्देश्य है आर्थिक, सामाजिक लोकतंत्र का स्थापना करना। ये दो मुख्य उद्देश्य हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व का, जिसका वर्णन हमारे संविधान में किया गया है। और अगर इसके महत्व की चर्चा करें तो कई महत्व हैं, जैसे प्रस्तावना में कुछ शब्द हैं जैसे समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणतंत्र, जो कि हमारे देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। ये सारे शब्द जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इन सब शब्दों का जिसकी चर्चा प्रस्तावना में किया गया है, उसका विस्तृत चर्चा राज्य की नीति निदेशक तत्व में किया गया है। यानी कि यह संविधान का ऐसा भाग है जहां पे प्रस्तावना के उद्देश्यों को जगह दिया गया है और विशेष चर्चा किया गया है। तो हम लोग दो चीज जान गए कि इसका उद्देश्य क्या है और इसके महत्व क्या है। इसका पहला उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना, और दूसरा उद्देश्य है आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। हमारे संविधान में जो इसकी चर्चा की गई है वो मुख्यतः तीन प्रकार के हैं। पहला, जो विचारधारा की चर्चा की गई है राज्य के नीति निदेशक तत्व में, वो मुख्यतः तीन प्रकार के हैं। पहला समाजवादी, दूसरा गांधीवादी और तीसरा उदारवादी। समाजवादी से तात्पर्य है कि ऐसे समाज, या फिर पहले यह देख लेते हैं, वादी का अर्थ होता है विचारधारा और जिससे जुड़ी हुई हो वो उसकी विचारधारा, जैसे गांधी से जुड़ी हुई विचारधारा को या गांधी से जुड़े हुए विचारों को गांधीवादी विचारधारा कहते हैं। समाजवादी यानी समाज की एकता और समाज की बराबरी की बात जहां हो या विचार जहां हो उसे समाजवादी विचारधारा कहते हैं। और तीसरा उदारवादी विचारधारा, यानी उदार संबंधित प्रावधानों की जहां बात होती हो उसे उदारवादी विचारधारा कहते हैं। तो ये तीन मुख्य विचारधारा हमारे अनुच्छेद 36 से 51 के बीच किया गया है। पहला है समाजवादी, दूसरा गांधीवादी और तीसरा उदारवादी। इसका कई बार आलोचना भी किया जाता है, और सबसे बड़ी आलोचना यह होती है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व को न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं किया गया है, या यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है और हम इसे न्यायालय में चुनौती देकर सरकार को बाध्य नहीं कर सकते कि इसमें जो लिखे हुए प्रावधान हैं उसे आप पूरा करें। लेकिन यह प्रवर्तनीय क्यों नहीं है, इसके बारे में संविधान निर्माताओं के मन में विचार आया
या संविधान में भी यह बात उठी तो वहां स्पष्ट रूप से कहा गया कि चूंकि हमारा देश लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता को अधिकार है कि वह अपने सरकार का मूल्यांकन कर सके और इसके यानी सरकार के कार्यों को का जवाब अपने वोट के माध्यम से दे सके। इसलिए इसे इसके संबंध में यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व के संबंध में जो भी ज्यादा अधिकार हैं वो जनता को सौंप दिया गया है और जनता ही इसका मूल्यांकन करेगी। आइए तो इसके इस पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं इनके अनुच्छेद से रिलेटेड वो देख लेते हैं। अनुच्छेद 36 में तो इसको हम लोग देखेंगे ऐसे, अनुच्छेद 36 और 37 को एक साथ देखेंगे। अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि राज्य की परिभाषा यानी कि कैसे राज्य की अवधारणा होगी, कैसे सरकार की अवधारणा होगी, उसकी परिभाषा दिया गया है। और 37 में यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अनुच्छेद 37 या कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि क्या राज्य के नीति निदेशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय हैं, तो इसका जवाब होगा नहीं, यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। तो ये दोनों हम लोगों को बहुत आसानी से याद हो गया, 36 में परिभाषा है राज्य की परिभाषा और 37 में इसे न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं, यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। अब 38, 39 और 39 क को हम एक साथ पढ़ेंगे। 38 में है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। जब भी न्याय की बात होगी तो हम तीन तरह के न्याय की चर्चा करेंगे, पहला सामाजिक आर्थिक और तीसरा राजनीतिक न्याय की बात करेंगे। और जब भी लोकतंत्र की बात होगी तो इसमें दो आधार होंगे, सामाजिक और दूसरा आर्थिक। तो प्रश्न पूछा जाएगा और बहुत ही याद रखने की जरूरत है इसको कि जब भी प्रश्न होगा कि न्याय की बात हो तो कितने आधार की वकालत की गई है, तो इसमें तीन आधार लिए गए हैं, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। लेकिन जब लोकतंत्र की बात हो तो दो आधार को लिया गया है, सिर्फ सामाजिक और आर्थिक। अनुच्छेद 39 में है संसाधनों का उचित वितरण, यानी कि सरकार को यह निर्देश दिया जाता है कि संसाधनों का संकेंद्रण न हो। इसका तात्पर्य है कि ऐसा न हो कि किसी एक व्यक्ति के पास सारा धन हो, सारे संपत्ति हो, सारे संसाधन हो और बाकी लोगों के पास कुछ न हो। और तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि संसाधनों का उचित तरीके से वितरण करे। और इसके साथ साथ इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान रखा गया है, यानी कि कोई स्त्री है और वही काम अगर कर रही है तो उसे ऐसा ना कि कम पैसा दिया जाए या उसे ज़्यादा पैसा दिया जाए पुरुष की अपेक्षा, या पुरुष के साथ ऐसा ना हो कि उसे कम या ज़्यादा दिया जाए, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। अनुच्छेद 39 का में है समान अवसर के आधार पर न्याय देना। आज का जो हमारा रिजर्वेशन सिस्टम है वो इसी के तहत है, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। और इसमें कहा गया कि समान अवसर के आधार पर न्याय देने की बात की गई थी। ये तीनों हमको याद हो गया आसानी से। 38 में है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात है, 39 में संसाधनों का
उचित वितरण की बात है, साथ ही साथ समान कार्य के लिए समान वेतन देने की बात है, और 39 क में समान अवसर के आधार पर न्याय देने की बात की गई है, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, उसमें जोड़ा गया था। अब अनुच्छेद 40 को अलग याद करेंगे। अनुच्छेद 40 में है पंचायत की बात की गई है, यानी कि पंचायत ग्राम स्तर पर होता है। प्रारंभ में यह अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया गया था, लेकिन 73वें संविधान संशोधन 1993 में इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और इसे अनिवार्य रूप से पूरे भारत में लागू कर दिया गया। तो यह हमारा अनुच्छेद 40 यानी कि पंचायत की व्यवस्था की बात करता है। अब देखेंगे 41, 42 और 43। अनुच्छेद 41 में है कुछ दशा में काम पाने का अधिकार, यानी कि जब हम आर्थिक तंगी से गुजर रहे हों, बेरोजगारी से जूझ रहे हों, या फिर बुढ़ापे की अवस्था हो, तो वैसी स्थिति में हमें काम पाने का अधिकार, या सरकार कोई हमें काम दे उसका अधिकार हमें दिया गया है, और सरकार को की दायित्व भी है, जिम्मेदारी है कि वो ऐसी स्थिति में काम करने का अवसर दे। अब जब काम किया जाएगा तो जहां काम करने जाएंगे वहां का स्थिति अच्छी होनी चाहिए, उसका वहां का माहौल अच्छा होना चाहिए। तो अनुच्छेद 42 में है कार्य न्याय संगत होनी चाहिए। और उचित दशा होनी चाहिए, उचित मनोदशा होनी चाहिए। उचित मनोदशा होनी चाहिए। अब हम काम करने चले गए, वहां पे अच्छी स्थिति भी है, तो हम चाहेंगे कि हमें मजदूरी भी मिले, तो अनुच्छेद 43 में निर्वाह मजदूरी की बात की गई है, साथ ही साथ कुटीर उद्योग लगाने की। और कुटीर उद्योग को, कुटीर उद्योग बोले तो जैसे कढ़ाई करना, बुनाई करना, इस इन सब के उद्योगों को बढ़ावा देने की बात की गई है। तो अनुच्छेद 41 में हो गया कुछ दशा में काम पाने का अधिकार, और काम पाने के बाद वहां जहां हम काम करेंगे वहां की कार्य न्याय संगत हो, उचित मनोदशा हो, वहां पे अच्छी स्थिति हो, और काम करने के बाद हमें मजदूरी भी मिले, उसकी चर्चा अनुच्छेद 43 में है निर्वाह मजदूरी। इसके साथ साथ कुटीर उद्योग की बात की गई है। अनुच्छेद 44 बड़ा आसान है, जैसे 4-4 एक समान है, ठीक उसी तरह से 44 को सम्मान नागरिक संहिता की बात की गई है। हमारे समाज में या हमारे देश में दो तरह के कानून हैं, पहला सामाजिक कानून और दूसरा नागरिक कानून। नागरिक कानून वे कानून हैं जो सभी जाति, धर्म, लिंग के लिए समान रूप से कार्य करती है। इसमें क्रिमिनल केसेस या दीवानी मामले जो होते हैं उसके लिए, और दूसरा है सामाजिक कानून। यह नागरिक कानून हो गया, दूसरा सामाजिक कानून, इसे वैयक्तिक कानून भी कहते हैं। इसमें विवाह, गोद लेना, तलाक, अपने संपत्ति को वंशजों में बांटना, ये सब जो मामले हैं वो नागरिक
सामाजिक कानून में आते हैं। तो ये जो सामाजिक कानून है, जो धार्मिक आधार पर है, वो सभी धर्मों में अलग अलग है। जैसे शादी विवाह की बात हिंदू धर्म में अलग है, मुस्लिम में या इस्लाम धर्म में अलग है, तो उन जो धार्मिक आधार पर जो अलग किया हुआ है उसको समान करने का दायित्व सरकार को जाता है। उसे ही अनुच्छेद 44 में कहा गया है समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 हम पहले पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 21 ए में, कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाना चाहिए। ये पहले अनुच्छेद 45 में ही था, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत हटाकर इसे मौलिक अधिकार कर दिया गया और इसके जगह पे 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की व्यवस्था के या प्रावधान संबंधी जो बातें हैं उसको राज्य के नीति निदेशक तत्व और अनुच्छेद 45 में रख दिया गया। अनुच्छेद 46 में आते हैं। हाँ, एक चीज और कि अनुच्छेद 45 में जो है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात है, तो ये जो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के बारे में जो चर्चा है वो हमारे मौलिक अधिकार में भी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी है और मौलिक कर्तव्य में भी किया गया है। अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। और अगर पूछा जाए कि मौलिक अधिकार में 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की संबंधी बात जो हुई है वो कब जोड़ा गया, तो वो भी 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया और राज्य के नीति निदेशक तत्व से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई थी उसे कब शिफ्ट किया गया मौलिक अधिकार में, तो उसका भी जवाब एक ही होगा, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। अब आते हैं अनुच्छेद 46 में। हमने देख लिया कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के बारे में निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की चर्चा की गई है, तो आगे अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को शिक्षा, आर्थिक हित और सामाजिक न्याय की बात की गई है। तो अनुच्छेद 47 में क्या किया गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को शिक्षा, आर्थिक हित और सामाजिक न्याय की बात की गई है। तो यह हमारा अनुच्छेद 46 हो गया। अब 47 और 48 को एक साथ पढ़ेंगे हम लोग। अनुच्छेद 47 में कहता है कि मद्य निषेध की बात की गई। मद्य निषेध यानी कि नशीले पदार्थ की खरीद बिक्री पर रोक लगाने की बात की गई है। कई राज्य इसको लगाने में सक्षम हुए हैं और कई राज्य आज भी असमर्थ हैं इसे कड़ाई से लागू करने में। हमारे बिहार में मद्य निषेध है, नशीले पदार्थों की खरीद बिक्री पर रोक लगा हुआ है। इसके साथ साथ पोषाहार की व्यवस्था की गई है और स्वास्थ्य की चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 47 में क्या क्या है, मद्य निषेध यानी नशीले पदार्थों के खरीद बिक्री पर रोक लगाने की बात की गई है और सरकार का दायित्व बनता है कि अपने राज्य में
नशीली पदार्थों के खरीद बिक्री पर रोक लगाए। फिर पोषाहार की व्यवस्था की गई है और स्वास्थ्य की। अनुच्छेद 48 में देखते हैं क्या है, इसे कैसे याद करेंगे। अब जैसे मद्य निषेध हो गया और कोई आदमी बहुत नशे में रहता था, अब वो दारू बंद हो गया, अब नशीले पदार्थ बंद हो गए, तो उसे होश आ गया और वो कुछ काम करना चाहता है। काम किस प्रकार का? कृषि करना चाहता है, पशुपालन करना चाहता है, दुधारू पशुओं की सेवा करना चाहता है, या उससे बिजनेस कुछ करना चाहता है। तो इसके बारे में चर्चा अनुच्छेद 48 में किया गया है, कृषि, पशुपालन और दुधारू पशुओं के संवर्धन की बात की गई है। और सरकार को एक दायित्व जाती है कि इसका बढ़ावा दिया जाए, दुधारू पशु, कृषि और पशुपालन का संवर्धन किया जाए, इसे बढ़ावा दिया जाए। अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं या उससे जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं, उसे उसका संरक्षण किया जाए। राष्ट्रीय, जैसे राष्ट्रीय धरोहर हैं हमारे ताजमहल, लाल किला, इन सब के संरक्षण की बात की गई है। उसका संरक्षण किसमें है? अनुच्छेद 49 में। अब आते हैं अनुच्छेद 50 में। 50 का अर्थ, 50 को ऐसे याद करेंगे कि 50-50 कर लें, 50-50 कर लें, यानी कि आधा आधा कर लें, या बांट दें, या अलग रखें, इस तरह से याद कर सकते हैं इसको। तो किसे हम 50-50 करें? 50-50 कार्यपालिका और न्यायपालिका को। कार्यपालिका से तात्पर्य है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं विभिन्न मंत्री जो हैं वो कार्यपालिका के अंग हैं। और न्यायपालिका से तात्पर्य है जुडिशियल से, जिसमें जज वगैरह जो होते हैं वो न्यायपालिका के अंग हैं। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखने की बात की गई है, क्योंकि जब कार्यपालिका और न्यायपालिका के साठगांठ हो जाएगा तो यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही बड़ा घातक साबित हो सकता है। तो अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखने की बात की गई है। अब हमने तो सारी चर्चा कर लिया अनुसूचित जाति का, 6 से 14 वर्ष के बच्चों का, 6 वर्ष की उम्र के बच्चों का, बूढ़े का, वयस्क का, बेरोजगार का, पंचायत का, सारे चीज़ों का हमने चर्चा कर लिया है इसमें लगभग। तो अब देखते हैं अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है। अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की गई है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि कितने अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 में। ये तो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे, जिसे हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। अब आते हैं कुछ और चर्चा, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा, कि जो जनता को मौलिक अधिकार दिए गए थे और राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे, उसमें कई बार टकराहट होने लगी और होने लगा कि आखिर ये दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य संघवाद में 1973 में कहा कि मौलिक अधिकार श्रेष्ठ है और राज्य के नीति निदेशक तत्व को अगर कहीं दबाना पड़ेगा तो दबाया जा सकता है। यह बात कब कही गई? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य संघवाद 1973 में। बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 में, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो सरकार ने कहा
कि राज्य के नीति निदेशक तत्व ज्यादा श्रेष्ठ है और कहीं राज्य के मौलिक अधिकार को दबाना पड़े तो कुछ प्रावधानों को दबाकर राज्य के नीति निदेशक तत्व को श्रेष्ठ माना जाएगा। लेकिन मिनर्वा मिल्सवाद 1980 में, अब इसको लेकर कई बार क्या हो रहा था कि टकराहट पैदा हो रही थी और न्यायालय को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किसे श्रेष्ठ माने, राज्य की नीति निदेशक तत्व को या फिर मौलिक अधिकार को। तो मिनर्वा मिल्सवाद जो कि 1980 में हुआ, उसमें न्यायालय ने कहा कि न तो राज्य की नीति निदेशक तत्व श्रेष्ठ है और ना ही मौलिक अधिकार, बल्कि दोनों समान हैं क्योंकि दोनों के उद्देश्य समान हैं, लोकतंत्र की स्थापना करना और जनता के हित में ज्यादा से ज्यादा काम करना। यही दोनों का उद्देश्य है, इसलिए न्यायालय ने मिनर्वा मिल्सवाद 1980 में यह कहा कि दोनों के बीच में संतुलन होना चाहिए और दोनों ही बराबर हैं। और ठीक उसी तरह से वास्तव में हमारे संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व और मौलिक अधिकार को समान जगह दी गई है। यही है हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में, और मैं आशा करता हूँ कि आपके